हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका यदि कोई क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, कोई भी केस है, तो आप उस केस को खुद फाइट कर सकते हो कि नहीं, खुद कोर्ट में वो केस बिना वकील साहब के अपॉइंट किए आप लड़ सकते हो या नहीं, क्या केस लड़ने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, कानून की जानकारी होना चाहिए, या फिर यदि आप खुद केस लड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, कहां पे कानून में इसका प्रोविजन है कि आप खुद भी केस लड़ सकते हैं, क्या क्या केस लड़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए, तो इन सभी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं वकील साहब को पैसे ना देके खुद ही अपना केस फाइट करूं। अच्छी बात है, आप खुद अपना केस फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन केस लड़ने के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, कोई जरूरी नहीं है। आप यदि नहीं भी रजिस्टर्ड हैं, आपके पास लॉ की डिग्री भी नहीं है, तो भी आप अपना केस खुद फाइट कर सकते हैं। लेकिन यदि केस आप खुद फाइट करना चाहते हैं, तो खुद केस लड़ने के लिए आपको कानून की तो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास कानून की जानकारी नहीं है और बाद में आप यदि फंस जाते हैं, फिर आप कोर्ट से ये गुहार लगाते हैं कि मुझे रिलीफ दिया जाए, मैं आम इंसान हूं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कानून का, तो कोर्ट आपको कोई रिलीफ नहीं देगी। इसीलिए लोग वकील करते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप खुद केस लड़ना चाहते हैं, तो हमारे जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, सीपीसी के ऑर्डर 3 और रूल 1 में इसका प्रोविजन है कि व्यक्ति खुद या किसी एजेंट के माध्यम से या किसी प्लेडर के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से केस लड़ सकते हैं, अपने केस की पैरवी करा सकते हैं। आदमी चाहे तो एजेंट को नियुक्त कर ले या खुद लड़ ले, या एडवोकेट को अपॉइंट करके केस लड़ सकते हैं। ये सीपीसी के ऑर्डर 3 और रूल 1 में इसका प्रोविजन दिया हुआ है। यही बातें एडवोकेट एक्ट 1961 जो है उसके सेक्शन 32 में भी इसका प्रोविजन है। लेकिन आप यदि मान लीजिए कोई सिविल केस कोर्ट में फाइल करते हैं और आप खुद लड़ना चाहते हैं, बिना वकील को अपॉइंट किए हुए आप खुद केस लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन भी उस प्लेंट के साथ कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा, जिसमें आपको कारण को बताना पड़ेगा कि किन कारणों से आप खुद केस लड़ना चाहते हैं। वो कारण कुछ भी हो सकता है, आपको एडवोकेट पे ट्रस्ट ना हो, आपको लगता हो कि एडवोकेट बाद में मिलके केस को हरा देंगे, या फिर ज्यादा पैसे लेते हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। जो रीजन आप एप्लीकेशन में देके, आवेदन में देके और उस प्लेंट के साथ लगाइए कोर्ट में, कोर्ट यदि आपको परमिशन देती है तो आप केस खुद लड़ सकते हैं। यदि कोर्ट परमिशन नहीं देगा तो आप नहीं लड़ेंगे केस। लेकिन कोर्ट परमिशन देती है, लेकिन बाद में यदि आपको कोई दिक्कत होता है और कोर्ट को ये बताते हैं कि मुझे जानकारी उतना कानून का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लड़ना चाहता हूं केस, और मुझे इस बिहाफ पे रिलीफ दिया जाए कि मैं एक आम इंसान हूं और मुझे कानून की जानकारी उतनी नहीं है, तो कोर्ट आपके कोई वहां पे एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला है। कोर्ट सिर्फ फैक्ट को देखेगा, आपके एविडेंस को देखेगा, आपके आर्ग्यूमेंट को सुनेगा, और वो चीज यदि आप में नहीं है तो आप अपने केस को लूज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग एडवोकेट को अपॉइंट करता है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। आप यदि खुद लड़ना चाहते हैं तो खुद लड़े, एजेंट को नियुक्त करें या एडवोकेट को अपॉइंट करके आप केस लड़े। तो कैसी लगी जानकारी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए मित्र इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।